हेलो एवरीवन वेलकम टू किचन विद सेहर और आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक इस्पॉन्ज केक रहेगा हमारा लेकिन ये जो होगा इसे हम बिस्किट से बनाएंगे किसी भी आप चॉकलेट बिस्किट से इसे बना सकते हैं और एकदम ही इसमें जो हमने मोड यूज़ किया है वो कन्वेक्शन मोड नहीं है माइक्रो प्लस कन्वेक्शन मोड है तो वीडियो को आप पूरा कम्प्लीट देखें ध्यान से देखें ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो और आपको और किस तरीके की वीडियो देखनी है इसके लिए कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं साथ ही चैनल पसंद आता है वीडियो पसंद आती है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें तो चलिए हम चॉकलेट केक बिस्किट से बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें चॉकलेट बिस्किट लेना है तो बिस्किट आप कोई भी चॉकलेट बिस्किट जो होता है वो ले सकते हैं और ये वाला जो हमने पैकेट लिया है ये फोर्टी ग्राम का है तो ये मैंने चार छह पैकेट लिया है यानी टू फोर्टी ग्राम हमने लिया है और एक केक मोल्ड हम ले, ले लेंगे और इसमें हमने बटर पेपर लगा लेना है तो ये देखिए मैं आपको बटर पेपर कट करके दिखाती हूँ इस तरीके से सेंटर में पॉइंट करके हमें इसे कट कर लेना है इससे हमारा जो केक है वो बिल्कुल बेस पे चिपकेगा नहीं तो बटर पेपर काफ़ी अच्छा तो उसे ज़रूर यूज़ किया करें सबसे पहले तो हम केक मोल्ड को इस तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इसमें हम बटर पेपर लगा देंगे बटर पेपर को साइड में भी हम लगा देंगे और टिन को केक टिन को हम तैयार करके एक तरफ रख लेंगे तो ये हमने एजेस पे भी बटर पेपर लगा दिया है अब हम इसे एक तरफ रख देते हैं एक मिक्सी जार ले लेंगे और इसमें हमने जितने बिस्किट हैं 240 ग्राम हमने बिस्किट टोटल लिया है तो इसकी मैं मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ और आप कोई भी बिस्किट लें इतने ही मेजरमेंट के साथ लें इसका हमें एक बारीक सा हमें इसे ग्राइंड कर देना है ये देखिए ये हमारा ग्राइंड कर हो गया है बिस्किट और इसका पाउडर बन गया है ये एकदम पाउडर फॉर्म में आ गया है अब हम इसमें एक कप मिल्क लेंगे और एक कप मिल्क यानी कि 250 फिफ्टी इसमें मिल्क है रूम टेम्परेचर का है तो एक साथ नहीं डालना थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करके हम इसे ब्लेंड करते जाएंगे दस से पंद्रह सेकेंड ब्लेंड करेंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट हम बनाकर तैयार कर लेंगे तो ये हम सारा मिल्क जो है हमने ऐड कर दिया है और अब हम इसे एक स्मूथ सा हमने बैटर इसका बना कर तैयार कर लिया अब हम एक चम्मच इसमें कॉफ़ी डालेंगे और कॉफ़ी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है साथ ही हम एक चौथाई चम्मच के बराबर हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे तो इससे जो बिस्किट का फ्लेवर होता है ना ये एकदम चॉकलेट फ्लेवर में आ जाएगा साथ ही एक टी हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे बेकिंग सोडा नहीं डालना है बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसे दस सेकेंड के लिए ब्लेंड किया है तो हमारा जो केक बैटर है केक मिक्सचर है ये बनकर तैयार हो गया है तो आप इसे इस तरीके से हम इसे केक मोल्ड में डाल लेते हैं दो से तीन बार टैप कर लेंगे बस और अब हम इसे माइक्रोवेव ओवन में डालेंगे तो ये कन्वेक्शन मोड में हम जाएंगे और 160 डिग्री पे ओवन को हम प्रीहीट कर लेंगे तो ओवन हमारा पाँच से छः मिनट लेगा बाय डिफ़ॉल्ट प्रीहीट होने में तो जब हमारा ओवन प्रीहीट हो जाएगा तो हम इसमें केक बैटर डाल देंगे केक मोल्ड डाल देंगे अब हम इसमें माइक्रो प्लस कन्वेक्शन मोड जो है दोबारा से रीसेट करके माइक्रो प्लस कन्वेक्शन मोड में 140 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने डाला है टेम्परेचर और 30 मिनट के लिए हमने इसे माइक्रोवेव करना है आप चाहें तो 20 से 25 मिनट आप पहले करिए अगर आपको लगता है कि केक अभी और बेक होगा तो फिर चेक करने के बाद पाँच मिनट छः मिनट जितना भी चाहिए होगा आप इसे बेक कर ले आपकी जो केक है वो जले नहीं और एकदम काफ़ी अच्छे से कुक होकर निकल रहा है तो ये हमने 30 मिनट के लिए इसे कुक किया है और अब हम इसे एक टूथ के जरिए चेक करते हैं तो ये नीचे से एकदम अच्छे से कुक हो गया है किसी तरीके का कोई भी जो लिक्विड होता है वो नहीं लगता इसमें अब हम इसे ढक कर छोड़ देते हैं दस से पंद्रह मिनट के लिए और दस से पंद्रह मिनट के बाद जब हमारा केक थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम इसे डिमोल्ट कर लेंगे और ये हमने इसे डीमोल्ड कर लिया है और ये देखिए वाओ ये एकदम नीचे से भी बढ़िया कुक हुआ है और ये आप देख सकते हैं ये देखें मैं इसे आपको कट करके भी दिखा देती हूँ और एकदम से सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुआ स्पंज केक है केक बनाते समय आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे जैसे कि आप केक का जो जब आप उसे निकालते हैं तो आप किसी अगर केक का ऊपर का लेयर आपका हार्ड हो गया होगा थोड़ा तो किसी डैम क्लोथ से उसे आप ढक दें आधे घंटे के लिए आधे से पौना घंटे के लिए और जिस समय आप इसे ब्लेंड करते हैं तो थोड़ा थोड़ा सेकंड दस से पंद्रह सेकंड के से ज़्यादा एक साथ ब्लेंड नहीं करना है वरना आपका केक हार्ड होकर तैयार होगा तो इसीलिए बिल्कुल हल्के हाथों से आप चाहे तो किसी विस्कर के हेल्प से भी उसे ब्लेंड कर सकते हैं जैसा मैंने मिक्सी जार से किया है बट एक साथ बहुत ज्यादा देर तक ब्लेंड नहीं करना है कुछ बातें थी जिनका आपको केक बनाते समय ध्यान रखना है मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज